तो एक लॉजिकल इंसान जो थोड़ा सा जिसके अंदर लॉजिक है, रीजनिंग अगर उसकी अच्छी है, तो ये जाकिर नायक के मानने वाले खुद उसको गालियां देके बाहर निकलेंगे, क्योंकि उसकी लॉजिक इतनी बेकार, इतना झूठ, इतना धोखा देता है। अगर एक लॉजिकल इंसान होगा तो बड़े आसानी से वो पकड़ लेगा उसको कि ये धोखा दे रहा है। जी एनोनिमस भाई। जी सर, सर मोमिन है आप? जी अलहमदुल्ला, मैं मोबिन हूँ अच्छा, आयतुल कुर्सी सुना दे सर। सर। आज कुछ नहीं आती, सब तैयार सुन लो। अत्यार सुना दे। अत्तहियातुलिल्लाहि वसलवातु वत्तैबातु अस्सलामुअलैका अय्युन्नबी वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु अस्सलामुअलैना वअलैबादिल्लाहिस्सालिहीन। दरूद, दरूद आता है आपको? दरूद इब्राहिमी हाँ वो भी सुना दे। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नो, अच्छा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम वलाल इब्राहिम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वलाल मुहम्मद कमा बरकत अला इब्राहिम वलाल इब्राहिम इन्नका हमीदुल मजीद। ठीक है, चले कंफर्म तो हो गया कि हालांकि थोड़ी उल्टा गड़बड़ी पड़ा, आपने उल्टा स्टार्टिंग पड़ा, की इसने है। उल्टा पड़ा। अल्लाहुम्मा हाँ बारिक पहले पढ़ लिया, अल्लाहुम्मा सल्लिमा लेकिन चलो अच्छा चलेगा। हाँ ठीक है, आपने थोड़ी गड़बड़ी की लेकिन ठीक है, आप मुस्लिम तो है। जी जनाब, आज के जी टॉपिक पे बात करेंगे। हाँ, बट मैं वो एक्सेप्ट करता हूँ कि रसूल अल्लाह ने कभी कभी मतलब पर्सनल फैसले लिए हैं अपने लाइफ टाइम में, जैसे कि ये वाला और एक और बार, एक और वो जो शादी की थी, लाइक अली रजी तला अन्हु को किसी ने प्रपोजल दिया था शादी करने के लिए, तो उन्होंने बोल अपनी बेटी के लिए, बट उन्होंने बोला कि नहीं करने के लिए। तो ओके इनसे अगर आप ये अफरी भी, वाह सर भाई एनोनिमस। वाह साहिब। नहीं, हाँ, पहले इनको यार, इनको अप्रिशिएट करें अप्रिशिएट यार करना चाहिए, कि यार अप्रिशिएट करना। देखे देखे मोहम्मद ने अल्लाह की दो कमांडमेंट्स तोड़ी, दूसरी कमांडमेंट इन्होंने बताई और कई तोड़ी, लेकिन मैं इन्हीं तक रहूंगा जो इन्होंने बोला कि एक बंदे को चार शादियों की इजाजत है, लेकिन अली को दूसरी किसी भी शादी से मना कर दिया था कि जब तक फातिमा तुम्हारे साथ है तुमने दूसरी शादी नहीं करनी, क्योंकि मेरी बेटी को दुख मिलता है। तो दुनिया की बेटियों को जी दुख जी मिले कोई मसला नहीं है, मोहम्मद की बेटी को दुख ना मिले, दैट जी इज ऑसम भाई। तो बड़ी जबरदस्त है भाई, अप्रिशिएट, आई अप्रिशिएट दैट। तो इसका मतलब है आपके नबी जो हैं वो अल्लाह के अहकाम को पूरे तरीके से नहीं मानते थे, उसमें रद्दोबदल कर देते थे जब अपने लिए बारी आती थी। तो ये तो पता नहीं, बट हाँ उन्होंने ये फैसले नहीं, लिए आपने हैं। कहा है, आप ही ने कहा है हाँ हाँ यार। बिल्कुल जी बिल्कुल। कभी कभी उन्होंने अपने पर्सनल फेवर किया उन्होंने, एंड जी तो इस बात को तो मैं एक्सेप्ट तो इससे एनोनिमस करता साहब, हूँ। इससे तो फिर ये साबित होता है ना कि ही वॉज नॉट प्रोटेक्टेड बाई द डिवाइन पावर। हाँ तो कभी कभी तो लगता है जैसे हदीस का कुछ रेफरेंस है, आई बिलीव इट, तो बट मतलब वो बेस्ट रोल मॉडल नहीं हो सकते, राइट? हाँ क्योंकि अब जहां तक आई एम मुस्लिम, बट जब हदीसों को पढ़ता हूँ तो एज अ टॉक अबाउट स्लेवरी, तो जैसे स्लेवरी है तो उसके हिसाब से तो मेरे को नहीं लगता, जैसे चाइल्ड मैरिज अलाउड है इस्लाम में, ये सब चीजें नहीं, तो बात हदीसों की नहीं है ना। अगर स्लेवरी की आप बात कर रहे हैं, चाइल्ड मैरिज की बात कर रहे हैं, तो ये तो कुरान भी इंडोर्स करता है या परमिशन देता है जी आपको, जी जी है जी ना? बिल्कुल। तो फिर कुरान के साथ भी आपका मसला होना चाहिए, है ना भाई? जी। तो फिर आप मुसलमान क्यों है फिर? अभी मैं पढ़ रहा हूँ, इस पे रिसर्च कर रहा हूँ, मेरे को पुख्ते सबूत चाहिए कि मतलब टुक मतलब कि एक प्लेस पे आना चाहिए कि क्या लाइक पुख्ता या सबूत, आपको मिलने पर वो फाइनल मतलब ये होगा आपके लिए कि भाई खत्म, अब आगे नहीं? जी। जैसे एक डाउट है वहाँ पे, जैसे कि एडम भाई ने एक स्ट्रीम किया था वो जमीन वाले पे, कि जहाँ पे इब्ने अब्बास का कॉल था वो नून मछली वाला, राइट। ओके आगे। हाँ तो वहाँ पे इन्होंने जो रेफरेंस बताया था तो मैंने जाके बाद में सर्च किया था, तो वहाँ पे मतलब इब्ने अब्बास ने खुद से मतलब रिवायत किया है, अन से किया है ना, कि जो नून मछली है वो बहुत बड़ी है, वो अर्थ के नीचे है, समथिंग ऐसे कुछ। ओके हाँ तो प्रॉब्लम क्या? तो जैसा कि इब्ने अब्बास ने उसमें उन्होंने अपना खुद की मतलब इंटरप्रिटेशन डाला है शायद, हाँ तो प्रॉब्लम क्या है लेकिन? तो अगर रसूल अल्लाह ने वो बात बोला होता तब मतलब होती है ना मोमिनों के लिए एक नहीं तो रसूलुल्लाह ने मार्ग। तो उससे भी खतरनाक खतरनाक बात की है ना भाई अच्छा कोई बात, आपको। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। तो हाँ ये सिर्फ वही चीज है जिसकी वजह से तुम्हें मसला है, जो अभी तुमने दो दो बातें की उसमें मसला नहीं है, राइट? उस पे भी ओके उसमें तो भाई तो,
अच्छा इब्ने अब्बास की चीज को साइड पे भी रख दो तुम, तो उससे फर्क क्या पड़ता है? साइड पे रखो, मैं जो उस पे बहस नहीं करता तुमसे, ठीक है? हालांकि उस पे भी बहस बनती है कि मोहम्मद ने उसको मना नहीं किया, और वो हदीस की सूरत में हमारे पास मौजूद है आज भी, और अर्ली लोग मानते रहे हैं, क्योंकि इब्ने अब्बास जो है मोहम्मद का कजन था, और उम्मत को सिखाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम उसी ने किया है, और सारी तफसीर उसी ने लिखी है। तो बेसिकली इब्ने अब्बास ने भी अगर रवायत की है तो चलो ठीक है, गोली मारो उसकी रवायत को, गोली मारो। आप मुझे ये बताओ कि मोहम्मद ने अपनी मुंह बोले बेटे की बीवी के साथ शादी क्यों की? शायद और आपका अल्लाह कुरान में ये कहता है कि हाँ मुझे पता है या मोहम्मद, तू अपने दिल में जो चीज छुपा के रखा हुआ है और तू नहीं बयान करना था, मैं बयान कर देता हूँ आज से ये, क्योंकि अब जैद की इससे जरूरत पूरी हो चुकी है। बीवी आईफोन है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, कि जैद की अब इससे जरूरत पूरी हो चुकी है। लाइक बीवी क्या है, माल है कोई? जरूरत पूरी कर ली जैद ने जितनी भी करनी थी, वो माल ने जरूरत पूरी होगी, बाबा खत्म। आप पकड़ के जो है ना जैद को ठोक ठका दो, बीवी को ठोक दो, किसी और को दे दो। जी तो आखिर वो वजह क्या थी शादी करने के लिए? शायद मतलब उनका कोई पर्सनल इशू था ना, तफसीर देखो ना, कौन सा पर्सनल इशू था? तफसीर देखो क्या लिखा हुआ है, मोहम्मद जैद के घर जाता है, अपने बेटे के घर जाता है, उसको उसकी उसकी बीवी जो है वो कम कपड़ों में नजर आती है, मोहम्मद का दिल पिघल जाता है। मोहम्मद कहता है सुभान अल्लाह मुकर्रिबुल कुलूब, ओ सुभान है वो जात जो दिलों को फेर देती है, ऊंचा सा बोलता है उसकी बीवी के सामने। वो बीवी आती है, वो जैद को कहती है देख तेरा तेरा मुंह बोला बाप ये क्या कह गया मेरे को। कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं तुझे तलाक दे देता हूँ, मैं तुझे तलाक दे देता हूँ मोहम्मद, मैं तलाक दे देता हूँ इसको, तुझसे शादी कर लिया। मोहम्मद को तकलीफ हो गई, यार ये तलाक दे देगा मैं शादी करूंगा, दुनिया क्या कहेगी? दुनिया तो कहेगी तूने अपने बेटे की बीवी से शादी कर ली है, दुनिया तो मुझे कुत्ता कुत्ता करेगी, जलील करेगी। फौरन से पहले मोहम्मद जिब्राइल को देता है, जिब्राइल आ जा भाई, जिब्राइल आ जाता है, जिब्राइल फौरन आता है और कहता है मोहम्मद जाओ से शादी कर ले, तूने अपने दिल में जो बात छुपा के रखी थी अल्लाह उसे अयां कर देता है, आज से कोई भी मुंह बोला बेटा नहीं है, जाओ जाके अपनी मुंह बोले बेटे की बहू से शादी कर लो, बीवी से शादी कर लो। लाइक आपको लगता है कि वाकई अल्लाह ने जिब्राइल भेजा होगा कि मोहम्मद ने खुद की होगी? एडम साहब एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दूं कि शादी कर लो नहीं, शादी हो गई, हाँ अल्लाह ने करवाई, अल्लाह ने करवाई, अल्लाह कहता है कि मैंने करवाई। और ज़ैनब जो है वो इस बात पे बहुत अतराती थी, आयशा के साथ बहस हुई थी इन दोनों की, और वो बड़ी अतराती थी, कहती मेरी शादी तो अल्लाह ने आसमानों पे की है, कुरान के अंदर। कौन सी मतलब ये मतलब आप चैप्टर बता सकते हो, वर्सेस कौन सी वर्स है ये? वर्सेस भी बताऊं, चैप्टर नंबर 33 में भी है, उसके अलावा जैद के वैसे भी है। तो आपने ये बात अभी तक पढ़ी नहीं, पहले बताएं आपने पढ़ी है कभी जिंदगी में? मैं फिर आपको सारा एक्सप्लेन कर देता हूं, आपने बात पढ़ी है कभी? जी मैंने मतलब आपका देखा था स्ट्रीम और मैंने बस वही देखा था, आपने दिखाया था हदीस। चलो जी चैप्टर नंबर 33 खोल देते हैं यार आपके लिए, चाहे यार आप भी क्या याद करेंगे किस रईस से पाला पड़ा। लेकिन भाई अच्छे है हमारे, वो फालतू ये नहीं है कि भाई फालतू गिरी नहीं करते, जबरदस्ती चीजों को तोड़ मरोड़ना। ले जी اے نبی جب آپ کہتے تھے اس شخص سے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اللہ سے ڈرو، آپ اپنے دل کو چھپائے ہوئے تھے، آپ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے، وہ بات کون سی بات دل میں چھپائے ہوئے تھے؟ وہ مٹن ہو گیا تھا اس شادی کرنے کی، وہ بات جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، تو آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے کہ میں لوگوں سے ڈروں؟ ڈرنا بھی چاہیے یار، میرا بیٹا ہے زید بن محمد اس کا نام تھا، لوگ اسے زید بن محمد کہتے تھے، اپنے بیٹے کی بیوی سے کیسے کر سکتا ہے؟ حالانکہ اللہ اس کا زیادہ ڈر، اللہ سے ڈر، آپ اسے ڈرے۔ بس جب زید نے اپنا تعلق منتقا کر لیا، منقطع، بہت بکواس کی ہے انہوں نے، بہت بکواس کی ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں، سو وین زید ہیز نو لانگر اینی نیڈ فار ہر، جب زید کو اس کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ اگر آپ عربی میں بھی دیکھیں، یہ دیکھیں، فلما قضا زید منہا وترن زوجنا کہا، تب ہم نے تمہاری شادی کر دی اس کے ساتھ، اب ہم نے تمہاری شادی کر دی تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے۔ لو جی اب مجھے بتاؤ، زید کی تو وہ بیوی تھی، طلاق بھی نہیں ہوئی، ایسا بھی نہیں ہے کہ زید نے بہت پہلے طلاق دے دی ہو۔ محمد اب اس کی تفاصیل میں چلے جاؤ، محمد اپنے بیٹے کے گھر میں گیا، بیٹا گھر میں نہیں ہے، سامنے بیوی کم کپڑوں میں، اچھا تب کیا کروں، گواہ بھی نہیں ہوں گے، گواہ بھی نہیں ہوں گے اس کے، مطلب جو شادی کے لیے تو گواہ ہوتے ہیں بھائی، گواہ کیا چاہیے؟ اوکے مطلب وہ خرچے کا اور وہ گواہ شوا کا کچھ مصیبت رکھا ہی نہیں رسول اللہ نے، دو سٹیپ آگے گئے وہ۔ جی جی ٹھیک ہے میں اسکور پڑھوں گا، لیکن ہاں جیسے پرائمری فیس لگ رہا ہے کہ لائک
लग क्या रही है, वही है चीजें जो लिखा है। एडम भाई एक और बात पूछे प्लीज, कि वो मतलब जैसे मैंने अपने मुफ्ती से पूछा बहुत बार कि जैसे स्लेवरी थी, स्लेवरी के बारे में, तो उन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने बताया कि जो औरतें जो जंग में आती थी उन्हीं को स्लेव बनाया जाता था। क्या ऐसी ऐसा है, क्योंकि मैंने पढ़ा लेकिन कहीं पे मारिया किप्तिया जंग में आई थी, वो तो तोहफे में मिली थी मोहम्मद को। महाबूर जंग में क्या आया था, वो तो तोहफे में मिला था मोहम्मद को। अच्छा, तो अगर जंग में ही आती थी तो आप अपनी औरतें बेचते क्यों थे, गुलाम बेचते क्यों थे? नजद के बाजारों में बेच के तलवारें और घोड़े क्यों खरीदते थे? तो भाई जान, जंग में आती थी, ये आप लोगों की बात की मुसलमानों की किल क्लैन है, बाजारों में जी बिकती थी। और आपके हजरत उमर के थ्रू और उस्मान के थ्रू ये रवायात है किस तरीके से वो उनकी थाईज को हाथ लगा लेते थे देखने के लिए, परखने के लिए, उनकी छातियों पे हाथ लगाते थे देखने परखने के लिए। एक स्लेव जो है उसकी सिर्फ जो प्राइवेट पार्ट, टांगों के बीच वाला जो सुराख है, जी जी उसको नहीं टच कर सकते जब तक आपने खरीदा नहीं, बाकी हर जी जी जगह पे हाथ लगाते थे, उसके थनों को जी ठीक जी रखते थे, जैसे बकरी को खरीदते हैं उसके थनों को हाथ लगा के देखते हैं कि दूध शुद्ध है कि नहीं है, ठीक है। उस तरीके से आप लड़कियों के थनों को हाथ लगाते हो, उनकी थाईस पे हाथ रखते हो, कई दफा दिखाया हुआ है। तो भाई अगर ये सिर्फ जंग में ही थी तो भाई आप उनके साथ शादी करते, सेक्स करके उनको बेचते भी जाते क्यों थे? जी हाँ तो मोहम्मद को, मोहम्मद की बात जो मेन स्लेव थी मारिया किप्तिया जिसके ऊपर हम आज बात कर रहे हैं, वो तो उसने जंग में नहीं ली थी, वो तो उसे तोहफे में मिली थी गिफ्ट हाँ, के शायद तौर उन्होंने पर। कोई इजिप्ट के कोई राजा या फिर किसी ने दिया था शायद। जी जिस जी तो फिर हबशा के, तो भाई तो फिर वो तो दो नंबर ही भाई। कौन सी जंग मतलब जंग में जैसे कि और लड़ने आती थी, मतलब यार, ऑफेंस या औरतें कब डिफेंस लड़ती के लिए, थी? औरतें लड़ती नहीं मतलब थी, ऐसे औरतें पानी पिलाती थी और जख्मियों की देखभाल करती थी, ठीक है। आपने जंग में मर्द मार दिए, उन औरतों को लेके चले जाते थे माले गनीमत के तौर पे, और जो मर्द आपके हाथ लगते थे उनको भी आप मार मुर देते थे, या उनको आप एक्सचेंज के तौर पे यूज करते थे कि जो जी आपके जी लोग पकड़े गए एक्सचेंज। हैं वर्सेस उनको एक्सचेंज करो, औरतों के साथ सेक्स करो। औरतें आप एक्सचेंज के तौर पे भी यूज नहीं करते थे। अच्छा, तो इसमें एक एडम पॉइंट प्लीज एडम साहब, जी एक जी चीज मैं और ऐड कर दूं कि अगर थोड़ी देर के लिए मान भी ले कि भाई जंग में आ रही थी तो इस वजह से उनको देव बनाना जायज है या नॉर्मल है या जस्टिफाइड है, तो उस हिसाब से क्या मोमिन हजरात और मुफ्ती हजरात जितने हैं वो इस बात को भी कबूल करेंगे कि इसी पैमाने को रखते हुए अगर मुसलमान औरतें भी जंग में आती है और उनको स्लेव बनाया जाए, उनके साथ सेक्स किया जाए, उनको बेचा जाए, तो ये जस्टिफाइड है? क्या ये चीज मानेंगे मुसलमान औरतों के लिए भी? जी लाइक अगर आप, मैं खुद की बात करूँ तो मैं इसको सपोर्ट नहीं करता सेलेब्रिटी को, जो आप जो भी अच्छे था वो, इंसान है ना भाई, बट आप अच्छे बट इंसान है ना। जी बाकी अब उन लोग लोगों क्या का इस पता नहीं, चीज बट करेंगे कि मुसलमानों, मुसलमान औरतों के साथ भी अगर ऐसा होगा तो जस्टिफाइड है? क्या वो मानेंगे इस बात को? तो साफ नहीं कहते। वो एक बहाना हो जाएगा ना कि सर कि जैसे कि जो औरतें हैं वो तो जंग में जाती नहीं है मुसलमानों की। मैं बताता क्यों हूँ, नहीं चलो जाती, ये क्यों नहीं एक, जाती, ऐसे ऐसे क्यों नहीं जाती, क्यों नहीं जाती? आयशा गई नहीं? मतलब आयशा, उसके अलावा कई औरतें मुसलमानों की जाती हैं जंग में? भाई जख्मियों की देखभाल और पानी पिलाने का काम करती ही औरतें थी हमेशा जंग में। आयशा तक गई है, आयशा को लास्ट टाइम रोक दिया गया था कि 14 साल की उम्र में अभी तुम छोटी अभी मत जाओ, उसके बाद चले जाना, हाँ और फिर वो गई। और फिर आपके जो घोड़ों की लड़ाई, ऊंटों की लड़ाई जंगे जमल, उसकी तो लीड की है आयशा ने, तो कैसी अच्छा, बातें कर रहे हो यार? ये देखो डोंट टेल एनोनिमस मी। साहब, ये जी आपके जी सामने हदीस है, ये है, कौन सी है? ये सही बुखारी की 4141। क्या कहती है? Whenever Allah's messenger intended to go on a journey, he used to draw lots amongst his wives, and Allah's messenger used to take with him the one on whom lot fell. He drew lots among us during one of the ghazwat which he fought. The lot fell on me, and so I proceeded with Allah's messenger after Allah's order of veiling had been revealed. तो भाई ये तो जा रही है जंग में। अच्छा जी, तो मोहम्मद की बीवी, अगर अगर मोहम्मद हारता और इसकी बीवी कब्जे में आई थी तो फिर उसको भी स्लेव बना लेते ना। हाँ तो फिर ये तो रूल था, तो तब उनको एक्सेप्ट करना रूल चाहिए था ये ना? सब तो चीजें। मुझे बताओ, यजीद ने जब इमाम हुसैन को वहां पे हराया तो वहां पे जो आपके मोहम्मद की आल की औरतें थी जो बच गई, उनके साथ यजीद ने अपने साथियों को क्यों नहीं बांटा? इसका मतलब है यजीद जो था वो ज्यादा इज्जतदार किस्म का शख्स था, ज्यादा अच्छा इंसान था आपके मोहम्मद की निस्बत। यजीद को गालियां मत दिया करो, उसने आपकी मुसलमान औरतों और मोहम्मद की आल को जलील नहीं किया जैसे मोहम्मद ने दूसरी औरतों को जलील किया। जी, जी, क्या बचा है फिर हाँ एनोनिमस सही बात है। का? बचा क्या है अभी? बच्चा क्या छोड़ दे है, अब इस्लाम, कुछ छोड़ दे। नहीं।
कई सारी चीजें तो आप कह रहे हैं गलत है, तो बचा क्या है फिर? नहीं मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना वो सब चीजें। हाँ तो एक्सेप्ट करो तो फिर इसमें रहते क्यों, इतने गंद में हो क्यों? अगर आपको पता लग गया है कि ये गंद है तो फिर गंद में क्यों हो? सर एक्सेप्ट करना और रहना लाइक इट्स इंटरनल थिंग, तो रहना या ना रहना इंटरनल थिंग। ओके चलें ठीक है भाई, ये इंटरनली ये गंद में रहना पसंद करते हैं साहिल भाई। नहीं साहिल भाई मैं थोड़ी देर बाद आता हूं इंटरनली। आप गपशप लगाए मैं आता हूं भाई। एनोनिमस भाई आप सोचो कि आपको मालूम है ये गंद है, मैं गटर में हूं और आप कहोगे कि मेरी चॉइस है मैं गटर में रहूं? नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं ना, आपको एक समझदार इंसान नहीं कहा जाएगा ना फिर? जी बिल्कुल, अगर कोई भी रिलीजन है उसमें एक भी कमी है तो इट्स नॉट अ मतलब सही रिलीजन। और खास करके इस्लाम के साथ ये मामला है कि ये तो कहता है कि एकदम परफेक्ट है। हाँ सीधी बात है, पहले मैं तो बहुत बड़ा मसला हो गया। The perfect one. हम ये कहता है कि भाई वक्त के साथ अपने आप को जो है वो अपग्रेड करो, अपडेट करो, तो कोई मसला नहीं होता, हम भी यहाँ पे स्ट्रीम करते नहीं बैठते। जी बिल्कुल। तो कहता है कि भाई ये परफेक्ट है, इसके ना ऐड करो ना डिलीट करो। हाँ सही बात है, क्योंकि जैसे कोई भी नियम या कानून होते हैं उसमें तो चेंजेज, नए नए चीजें लानी जरूरी होती है जमाने के हिसाब से। बिल्कुल। तो इन दैट सेंस अगर 14 साल पहले की जो भी बातें हैं अगर सारी की सारी अगर अभी के दिन में अप्लाई किया जाए तो सही नहीं होगी ना, जैसे वो अपडेटेड है ना सर, पॉसिबल ही नहीं है। अभी जैसे कि मैंने बताया कि भाई वो कुरान जो है वो चार गवाह लाने के लिए कहता है। जी जी बिल्कुल। अब चार गवाह नहीं है, सीसीटीवी में कैद है, तो अब क्या उसको गुनहगार नहीं माना जाएगा? सीधी बात है, ये तो फिर वो आउटडेटेड है ना भाई। आउटडेटेड है, सवाल ही नहीं उठता। तो अब बताइए फिर से आपसे सवाल है, ये जब आपको पता चल गया है कि ये गटर है तो इसमें रहने का क्या मतलब बनता है? अच्छा ये भी नहीं है कि आपकी आइडेंटिटी कोई खुली हुई है, आपका ना नाम है ना कुछ है, तो नाम ये कहने हैं जी वॉइस वॉइस। अरे भाई लाखों, चलो ठीक है कोई मसला नहीं, हम आपको जो है वो इस बात के लिए फोर्स नहीं करेंगे। हम समझ गए आप क्या समझ रहे हैं और ये एक बड़ी दुख की बात है हमारी गवर्नमेंट के लिए, अथॉरिटीज के लिए भी। एक इंसान जो चीज को गलत मानता है उसके बावजूद भी वो कन्फेस करके उस चीज को छोड़ नहीं सकता। मुझे नहीं पता हमारी जो गवर्नमेंट है वो कब ऐसे कानून लाएगी लाएगी कि भाई एक इंसान जो है जो गलत साबित हो जाए और उसको पता चल जाए गलत है और वो छोड़ना भी चाहता है लेकिन इस डर के वजह से नहीं छोड़ रहा है कि लोग उसको जो है मार देंगे या उसका नुकसान पहुंचाएंगे या उसका बॉयकॉट करेंगे, इस डर के वजह से नहीं छोड़ रहा है। तो ये हमारे जैसे जो हमारा जो देश है भारत, ऐसे देश में अगर ये चीजें हैं तो ये बड़े दुख की बात है और समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को ऐसे केसेस को लेकर इस पे थोड़ा स्टडी कर कुछ अच्छे कानून, एक्स मुस्लिम प्रोटेक्शन लॉ अलग से लाना चाहिए ताकि लोग जो है डरे नहीं अपना इस्लाम डिनाउंस करने के लिए। सर एक्चुअली ये पॉलिटिकल थोड़ा सा हो जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी कि लाइक ऐसे लॉ लाएं जो मतलब बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करे, वोट बैंक की भी बात है इसमें आई थिंक। सो नहीं लेकिन ये वो वोट बैंक हो या कुछ भी हो, देश आगे है ना भाई, नागरिक आगे है और इंडिविजुअल राइट सबसे ऊपर है, तो बिल्कुल इनको लाना चाहिए। थैंक यू सो मच एनोनिमस भाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे आप इंसान है, एटलीस्ट गलत को आपने गलत कहा, थैंक यू सो मच। मेरा जो मेन रीजन है मतलब लॉजिकल थिंकिंग है, जो भी आप बोल लो कि मतलब सही तरीके से सोचना, पहले मैं भी लाइक बरेलवी अहले हदीस अभी जो भी हूँ पता नहीं, तो ये मेन रीजन जैसे बोलते हैं लोग कि डॉक्टर जाकिर नायक मतलब इस्लाम में लाता है, बट बस मतलब मेरा जो चेंज हुआ व्यू उसी के वजह से हुआ, क्योंकि आई यूज टू मतलब मैं उसको बहुत देखता था लाइक आई वाज सो फैन, लाइक बहुत बड़ा फैन उसका, मतलब मेरे वॉलपेपर पे भी उसके पिक्चर रहते थे कभी कभी, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो जो पीस टीवी में जो आया जाता था उसका पीते वो बिल्डिंग वाले आग के छींटे गिर रहे हैं और वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वैसा वाला आपने भी लगता वॉलपेपर लगा के रखा था। जी जी जी। तो एक दिन ना पता है लाइक डॉक्टर जाकिर नायक ने बताया था ना दहा या समथिंग जो जिसका मतलब ऑस्ट्रिच काटता है जो भी, बट मैंने जब कुरान को मतलब पढ़ा तो जितने भी ट्रांसलेटर थे हिंदी उर्दू सारे उन्होंने कहीं पे भी ये ट्रांसलेट नहीं किया था, मेरे को लगा यार ये आदमी कैसे बता रहा है, तो फिर आई जस्ट मतलब कुछ रिसर्च मतलब उसका मीनिंग यहीं पे खोजा कहीं पे नहीं मिला, फिर वहां से मेरे को लगा कि नहीं ये आदमी झूठ बोल रहा है, तो फिर वहां से मेरी स्टार्ट हुई, फिर आप लोगों के चैनल को देखा मैंने एंड राइट नाउ मतलब मैं अभी भी तालिब इल्म या जो भी बोल लो आप मतलब वही कर रहा हूँ रिगार्डिंग दीन एक कभी कभी, क्योंकि मैं ज्यादा फोकस
स्टडी पे अब रहती है, मेरे पहले नहीं रहती थी, ये बोला था। अच्छा मेरी आवाज साफ नहीं आ रही क्या आपको? नहीं आ रही मेरी आवाज? आ रही है सर, आ रही है ना? कोई एक लिख रहा है कि मेरी आवाज क्लियर नहीं है। नहीं नहीं क्या भाई लोग, बाकी लोगों को कुछ इशू है? मेरे माइक से प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई का इशू आ रहा है? इनकी आवाज तो मुझे तो आ रही है और मेरी आवाज इनको आ रही है, मतलब कहाँ पे साफ है? आ रही है, सबको आ रही है भाई। जिसको नहीं आ रही है आप लोग अपना सेटिंग सेट करिए और इस क्लियर है जी भाई। तो देखिए दोस्तों, जितने लोग देख रहे हैं, हमारे भाई जो है, जैसे कि मैं जाकिर नायक का फैन था एक वक्त में, उसी तरीके से भाई भी, मैं इतना बड़ा फैन नहीं था कि उसके फोटो जो है मैं अपने मोबाइल के बैकग्राउंड में रखता था, इतना बड़ा भी फैन नहीं था, लेकिन हमारे जो भाई है वो इतने बड़े फैन थे उसके। वो अच्छा ये वहां से अभी क्लियर आएगी आपको आवाज। तो मैं इतना बड़ा भी फैन नहीं था जाकिर नायक का कि उसकी फोटो जो है अपने वॉलपेपर पे लगाऊं मैं, लेकिन ये भाई इतने बड़े फैन थे कि ये उनकी फोटो लगा के रखते थे अपने मोबाइल पे। लेकिन एक लॉजिकल इंसान जिसका थोड़ा भी दिमाग चलता है, आप म्यूट कर ले भाई, मैं आपको मौका दूं, थैंक यू, क्योंकि आपकी वजह से वो इको आ रहा है। तो एक लॉजिकल इंसान जो थोड़ा सा जिसके अंदर लॉजिक है, रीजनिंग अगर उसकी अच्छी है, तो ये जाकिर नायक के मानने वाले खुद उसको गालियां देके बाहर निकलेंगे, क्योंकि उसकी लॉजिक इतनी बेकार, इतना झूठ, इतना धोखा देता है। अगर एक लॉजिकल इंसान होगा तो बड़े आसानी से वो पकड़ लेगा उसको कि ये धोखा दे रहा है। तो थैंक यू सो मच एनोनिमस भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी जी शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मोमिन हजरत को मौका दे देते हैं। जी जी बिल्कुल जी। स्टूडियो छोड़ दीजिए आप।